नमस्कार दोस्तों, गुरुदेव गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट मल्टी बूट यूएसबी ड्राइव, मतलब आप एक पेन ड्राइव से विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हो। आपको अलग अलग पेन ड्राइव साथ रखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास 16 GB पेन ड्राइव होना चाहिए, एक लैपटॉप और एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अब इस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल कैसा करना है, उसको डाउनलोड कैसे करना है और उसका यूज कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर ओपन कर दीजिए। यहाँ पे टाइप कर दीजिए विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी और इसे सर्च कर दीजिए। सर्च होने के बाद जो पहली वेबसाइट ओपन होती है उस पर क्लिक कर दो और यहाँ से लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इसे डाउनलोड कर दो। मैंने उसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। डाउनलोड होने के बाद उसे डबल क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये डेस्कटॉप पे ही एक्सट्रैक्ट हो रहा है। देखो दोस्तों, ये बाजू में एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इस फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे दो सेटअप दिख रहा है, एक 64 बिट का है और ये 32 बिट का है। तो आपका जो कंप्यूटर जैसा है वैसा आपको ओपन करना है। हम चेक करने के लिए माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टी में जाएंगे। ये सिस्टम 64 बिट की है तो हम 64 बिट का सेटअप ओपन करेंगे। अगर 32 बिट होता तो ऊपर वाला सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते, तो अब हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करने से पहले कंप्यूटर को या लैपटॉप को पेन ड्राइव कनेक्ट कर दीजिए, बाद में सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद वो ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर देगा। पेन ड्राइव को डिटेक्ट करने के बाद आपको ऐड टू फॉर्मेट पे क्लिक करना है और उसके बाद एडवांस ऑप्शन को भी ऑन कर देना है। एडवांस ऑप्शन को ऑन करने के बाद विंडोज 7 और विंडोज 8 का जो सेटअप दिख रहा है आपको इधर कस्टम मेनू, इसे भी क्लिक कर दो और बाद में उसे क्लोज कर दो। दोस्तों इसके बाद आपको विंडोज 7 को बूट करना है तो यहाँ पे मार्क कर दीजिए और यहाँ से ब्राउज कर दीजिए। आईओएस आपकी है विंडोज 7 की, उसे सिलेक्ट कर दीजिए और इसे ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद उसे गो पे क्लिक कर दीजिए। तो ये बोल रहा है आपका पूरा डाटा इरेज हो जाएगा था, यस, और इसे यस करेंगे। दोस्तों इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक थोड़ा वीडियो में पॉज करके रखता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको नेम देने का है। हम विंडोज 7 डाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ विन 7 टाइप करेंगे और उसे ओके कर देंगे और बाद में यहाँ पे डालेंगे विंडोज 7 से ओके कर देंगे। इसके बाद तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करके रखता हूँ। दोस्तों विंडोज 7 का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब हम विंडोज 8 करेंगे। 8 के लिए यहाँ पे मार्क कर देंगे और यहाँ से ब्राउज करेंगे और जो विंडोज चाहिए आपको वो सिलेक्ट कर देंगे। अब मैं 8.1 को सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर दिया, बाद में उसे गो पे क्लिक कर देंगे। और इस टाइम पे आपको ये ऐड टू फॉर्मेट को क्लिक नहीं करना है और बाद में फिर से आपको एडवांस ऑप्शन में जाके कस्टम मेनू को क्लिक करना है ताकि हम उसे रिनेम कर सके। और इसे गो पे क्लिक करेंगे, इसे आप टाइप करेंगे यहाँ फिन 8, इसे ओके कर देंगे और इसे विंडोज 8.1 ओके कर देंगे और उसके बाद में अभी वो प्रोसेस चालू हो चुकी है। इस तरह दोस्तों ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप विंडोज 10 भी कर सकते हो। दोस्तों अब ये मल्टी बूटिंग का प्रोसेस आप कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बूट कैसे करते हैं। इसके लिए मुझे कंप्यूटर को स्टार्ट करना होगा।